Hello friends, I am Rajiv and welcome to my channel MET, yani Modern Experiment and Technology में. So friends, आज हम आप सभी के लिए एक short, simple but बहुत interesting और information से भरा हुआ एक video लेकर आए हैं. ठीक है, आज हम बात करेंगे earthpin के ऊपर. ये earthpin इन दोनों सॉकेट मतलब ये दोनों पिन इन जो होता है न्यूट्रल और लाइन और न्यूट्रल, इन लाइन और न्यूट्रल से क्यों ज़्यादा थोड़ा सा बड़ा होता है और क्यों इन दोनों से इसका अर्थ पिन का जो थिकनेस है ये थिकनेस भी ज़्यादा होता है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे. ठीक है, तो इसके तीन रीज़न है, ये पिन अर्थ पिन बड़ा और इसके थिकनेस ज़्यादा होने के लिए होने का तीन रीज़न है. तो ये तीन रीज़न जानने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि हम अर्थिंग यूज़ क्यों करते हैं. ओके, देखिए हम अर्थिंग यूज़ करते हैं किसी भी एप्लीकेट्स में. आप अर्थिंग यूज़ करते हैं कि किसी भी जगह पर अगर लाइन डायरेक्टली बॉडी के साथ कांटेक्ट हो गया हो तो क्या होगा कि हम शॉक लग सकता है, हमको शॉक लगेगा. ठीक है, तो उस शॉक से बचाने के लिए हम अर्थिंग यूज़ करते हैं कि किसी भी जगह पर अगर डायरेक्टली बॉडी पे करंट गेज चला गया है तो अर्थिंग के जरिए अर्थपिन के जरिए जो कनेक्ट रहता है बॉडी के साथ उसके जरिए ये क्या होता है कि जो करंट है वो ग्राउंड में चला जाता है, तो हमको शॉक लगने की कोई संभावना नहीं रहती है, तो इसलिए हम अर्थिंग यूज़ करते हैं. अभी हम ये पिन क्यों ज़्यादा बड़ी है तो इसके जो पहले पॉइंट है उस पे आते हैं. देखिए आप यहाँ पर गौर से देखिए कि हम जब ये जो सॉकेट पे हम जब पिन को डाल रहे हैं तब आप देखिए जो सबसे पहले होता है तो ये क्या है, अर्थ का जो पिन है ये अर्थ का पिन सबसे पहले जा रहा है. ठीक है, हम आप इसको डालेंगे तो सबसे पहले देखिए अर्थ का जो पिन है ये जा रहा है, मतलब क्या है कि किसी भी बॉडी में ये पहले जा रहा है. ठीक है, इक्विपमेंट में अर्थिंग पहले जा रहा है, तो अर्थिंग जाने के फ़ायदा क्या है कि अगर लाइन में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, बॉडी में कनेक्शन चला गया है, मतलब बॉडी में कनेक्शन जा सकती है, तब क्या होगा कि ये वो करंट डायरेक्टली ग्राउंड हो जाएगा, अर्थिंग के जरिए डायरेक्टली ग्राउंड हो जाएगा. तो सबसे पहले हम इसको बड़ा होने की सबसे जो बड़ा कारण होता है, जो बड़ा कॉज होता है वो है कि अर्थिंग देना, मतलब लाइन देने से पहले उसको जो एप्लीकेंट से उसको अर्थ से कनेक्ट करवा देना. ठीक है, तो अगर किसी भी जगह पर बॉडी पे अगर कनेक्टेड हो भी या करंट फ्लो भी कर गया तो वो क्या होगा, बॉडी से सीधे ग्राउंड पे चला जाएगा, तो हमें शॉक लगने की कोई संभावना नहीं होती है. ठीक है, अब दूसरे कारण आते हैं, आप देख सकते हैं दूसरे कारण, ये जो तीनों पिन है तीनों पिनों में ये बड़ा होता है और मोटा होता है क्योंकि इसको इंडिविजुअली हम पहचान सके. ठीक है, अगर हम इसको इंडिविजुअली पहचान ना सके, तीनों सेम हुए हम इंडिविजुअली इसको पहचान ना सके, तो हम अगर गलती से भी अर्थ पिन को फेस के जगह पर दे देते हैं, लाइन के जगह पर दे देते हैं, तब क्या होगा कि डायरेक्टली उसका जो बॉडी है वो करंट के साथ आ जाएगा. ठीक है, डायरेक्टली उसके बॉडी में करंट फ्लो करते रहेगा और उसको कोई भी टच करेगा तो वो प्रॉब्लम में पड़ सकता है, उसको शॉक ज़रूर लगेगा. ठीक है, तो इसलिए इसको इंडिविजुअली अलग से दिखाने के लिए हम ये जो पिन होता है ये पिन यूज़ करते हैं, मतलब इस पिन को थोड़ा सा बड़ा और इंडिविजुअली दिखाने की कोशिश करते हैं. ये गया दूसरी पॉइंट. अब आते हैं हम तीसरी पॉइंट पे, जो तीसरी पॉइंट है वो तीसरी पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है. ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि क्रॉस सेक्शनल, ये एक थ्योरेटिकल पॉइंट है लेकिन आप देखिए इसके जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ये बहुत ज़्यादा होता है, मतलब इसके थिकनेस ज़्यादा होता है. अब थिकनेस ज़्यादा है मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है, मतलब क्या होता है कि इसकी जो रेजिस्टेंस है लाइन ये कम होता है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे की अर्थिंग की जो रेजिस्टेंस है वो जो न्यूट्रल और जो फेस का रेजिस्टेंस होता है ठीक है उससे कम होता है. तब क्या फ़ायदा होता है कि किसी भी जगह पर अगर बॉडी हो गया तो करंट आसानी से ग्राउंड में चला जाता है. ओके, तो इसीलिए हम ये जो पिन होता है ये पिन थोड़ा सा इसका जो थिकनेस है इसका थिकनेस थोड़ा सा ज़्यादा होता है. ओके, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा. हमारे चैनल में नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. एक छोटा सा सिंपल सा वीडियो था सिर्फ आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए. तो ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा. आज के लिए बस इतना ही, आप सभी से फिर से मुलाकात होगी किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स.